हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं बिपिन यादव और आज फिर 29 तारीख के जो भी सवाल पूछे गए 29/12/2020 एनटीपीसी के एग्जाम में उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। वीडियो मेरा थोड़ा देर से बनता है लेकिन बड़ा सटीक चीज हम बना कर लाते हैं, वो इसलिए कि पहले तो आप कई बच्चे जब कमेंट करते हैं और इसमें हम लास्ट में भी आपको नंबर दिखाने वाले हैं कि जिस पर आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। पहले तो हमने कहा था कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जिस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं जो आप एग्जाम देते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन का हम जांच पड़ताल करते हैं, कई लोगों से मिलाते हैं उस क्वेश्चन को, तब जाके हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हम लेट बनाते हैं, ठीक है। आइए लेकिन सटीक जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहला आज का जो सवाल है दोस्तों, पहला क्या कहता है देखिए, कहता है एबीसी तीनों एक काम को 5 दिन में कर लेता है जबकि बीसीडी इसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी डी ए इस काम को 15 दिन में, बड़ा समय लगने लगा ये तीनों मिलकर किया था, तब डी ए बी इस कार्य को 30 दिन में, ये सब तो और बहुत देर कर रहा है, बड़ा कोढ़िया सब है इधर, तब कहता है ए बी सी डी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए यहां पर ए बी सी था तो 5 दिन में हो जा रहा था, तो आप बताइए इस सवाल में लास्ट में पूछा है कि ए बी सी डी यानी चारों मिलकर इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, यही बात ना। एक बात बताइए कि पहला जो तीनों है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कोई काम करता है 5 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 1/5 भाग का, और सुनिए बी सी डी इसी काम को 10 दिन में, 10 दिन में ना, तब बी प्लस सी प्लस डी 1/10 भाग कर देगा, ये हो गया हमारा। अब कहता है सी डी ए इसी काम को 15 दिन में, तो सी प्लस डी प्लस ए इसी काम को 15 दिन में, तो 1 दिन में 1/15 सबके 1 दिन का काम लिख दिए हम। और सुनिए सुनिए जरा यहां पर कि डी ए बी मिलता है तब यह काम 30 दिन में होता है, देखिए कोढ़िया सब आ गया, डी बी ए मिलता है तो यही काम 30 दिन में, तो 1 दिन में 1/30। अब हम ये निकाल सकते हैं दोस्तों कि सब मिलकर करेगा तो काम कितने दिन में होगा, एक बात बताइए डी ए बी आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा अगर 5, 10, 15, 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, और इधर देखो ए कितने बार आ रहा है पूरे में, 1 बार 2 बार 3 बार, बी 3 बार, सी 1 2, सी आ जाएगा 3 बार, उसी तरह डी भी आ जाएगा 3 बार, यानी 3 कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बाएं वाले को सबको जोड़ दिया मैंने, इधर जोड़ लिया 3 बार a 3 बार b 3 बार c 3 बार d। अब रुकिए नीचे सबका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया आपका 30, कैसे 1/5 1/10 1/15 1/30 को जोड़े, अब 5 6 30 तो ऊपर 6 1 6 10 3 30, 10 से 30 को काटोगे 3 बार में तो 3 हो जाएगा, आलो 15 से काटोगे तो 15 2 30, और सुनिए सुनिए 30 से 30 को काटोगे 1 बार में 30 1 30, यानी कि हमारा ये आ गया कितना ऊपर जानते हैं, यह तो हमारा 3 × a + b + c + d हुआ दोस्तों, और ये हमारा आ गया 30, ऊपर में आ गया 6 3 9 2 11 1 12, अगर काटते हैं 3 से 12 को तो 4 बार में 4 का आधा 2 और 30 के आधा 15, यानी कि 2/15 ही भाग आया 1 दिन का काम। आपको पता है दिन पूछा है तब पार्ट का उल्टा डे होता है और डे का उल्टा पार्ट होता है, पार्ट हमको 2/15 तो दिन जो होगा ना दिन उसका उल्टा हो जाएगा 15/2 दिन, यानी 7.5 दिन भी कह सकते हो, ये हो गया इस सवाल का जवाब, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए जरा अगला सवाल पर आते हैं, जरा ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। और चलिए एक बात, अच्छा ये आ गया सुन ली, ये जो पहले बुक आपको मार्केट में मिल रहा था हमारा मैथ का जो एकदम जीरो लेवल से लिखा गया है, एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीख सकते हैं, और आपने इस बुक को बहुत प्यार दिया है, इसी विश्वास पर मैं अगला बुक लेकर स्पेशल रेलवे के लिए आ रहा हूं जो 1 तारीख से यानी नए साल से 1 जनवरी से आपको दुकान पर मिलने लगेगा, और अभी जो फिलहाल एग्जाम हो रहा है उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, और ये स्कैनर जो आपको दिया हुआ है क्यूआर कोड स्कैनर जो होता है उससे स्कैन करिएगा तो लेटेस्ट क्वेश्चन के आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना आपके फोन में। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे, ऐसे चलिए, अच्छा ये देख लो इकाई अंक वाला जो सवाल है ना एकदम गर्दा कह ले है, पूछबे कर रहा है
डेली पूछ रहा है, कोई भी दिन नहीं कि जिसमें इकाई अंक का सवाल नहीं पूछेगा आपसे। कहता है इतना में इकाई अंक बताइए, सुनिएगा एगो बात सुन लीजिएगा, इकाई अंक निकालना होता है ना तो 0, 1, 5, 6, 9 चेंज पढ़ा रखे हैं आपको, 47 को वीडियो पढ़ा है, जाकर देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी वाला यूट्यूब में सारा यही चीजें हैं। चाहे आप धुरीना में पढ़े होंगे हमारा, चाहे मैथ मस्ती चैनल पर पढ़े होंगे, क्वेश्चन में लड़ना ही लड़ना है, देख लीजिए 0, 1, 5, 6, 9 चेंज क्या करना है। बेस का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 में का है तो वो चेंज नहीं होगा। कहे कि 0 पर पावर कितना रहेगा, चेंज नहीं होगा। 11 है मान लीजिए, इसका पावर कितना हो लिख दोगे तो 121 लास्ट में एक आ ही जाएगा। किसी संख्या के अंत में 5 है, पावर कितना हो रख दो तो फिर 5 आ जाएगा। यानी कौन चेंज नहीं होता है, 0, 1, 5, 6, 9 चेंज। लेकिन उसके अलावा कोई संख्या है, यहां पर 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो इसको लिख के और सुनो, इसके पावर को 4 से भाग दीजिएगा। 4 से भाग क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति 4 बार के बाद हो जाती है, यानी 5वां बार हो जाती है 4 बार के बाद, इसलिए 4 से भाग। तो 412 में 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा 4 कम 4, 4 12 पूरा पूरा कटेगा, तो पूरा पूरा कटेगा तो 4 दीजिएगा। सुनिए यहां 9 लिखे, इसके पावर में भी 4 से भाग दीजिएगा। 0, 1, 5, 6 में का नहीं ना है तो लिख के पावर में 4 से भाग देना है। अगर उसमें का रहता, मान लो यहां 5 रहता तो सीधे 5 लिख लेते, कुछ ना करते, कोई भाग भागी के काम नहीं होता। इसमें 4 से भाग, 4 एकम 4 कट गया, 4 7 28 शेष बचा 3। ठीक है, अब ये आपका 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। आपको केवल लास्ट वाला गुना कर देना है, 9 6 54, इकाई अंक कितना, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से मतलब, अभी 9 को 3 बार लिखते, 9 गुने 9 गुने 9 729, 16 गुने 729 गुना करते तो लास्ट वाला करिए, 6 9 54 54 के 4 इकाई अंक। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, देख लो अगला सवाल आपका तीसरा। यदि एक्स का क्यूब प्लस वाई के क्यूब बराबर 35 है, एक्स प्लस वाई बराबर पांच है तो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का मान क्या होगा। ये बड़ा सिंपल है, अगर आप सोचोगे तब 35 देखो 27 8 35 होता है ना, यानी x के जगह अगर मान लो कि हम 3 ले लेते हैं और y के जगह हम 2 ले लेते हैं तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27 8 कितना हो गया, ये 35 हो गया कि नहीं, 27 8 35 हो गया। यानी x के जगह हमने क्या लिया है 3, y के जगह क्या लिया है 2, 3 2 हो गया 5। यहां x के जगह हमने क्या लिया है 3 3 के पावर 4 81 और 2 के पावर 4 16, यानी 81 प्लस 16 हुआ 97। 6 1 7 8 1 9 हमारा आंसर प्राप्त हो गया है कितना, 97। चलिए थोड़ा सा फास्ट करवाते हैं, क्वेश्चन भी इजी पूछा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि ये सब आसानी से आपको समझ में आने वाला है, आ सब पढ़ाए हुए हैं, सारा बेसिक क्लास में ही खत्म हो गया होगा। सुनिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करता है। जब दो व्यक्ति मिलकर करता है तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन लगेगा। ये फॉर्मूला पर भी खटाक से उड़ा दीजिएगा, दोनों दिन को गुना कर दीजिए, 20 गुना 30 और नीचा जोड़ के लिख दीजिए 20 30 कितना 50। लो 0 से 0 काट दिया, अब 5 6 30 काट दिया, भैया 6 दूना 12 दिन लगेगा। और क्या, यही हो गया आपके सवाल का जवाब। बढ़े आगे, आइए देखिए अगला सवाल पर आ जाइएगा। अगला सवाल क्या कहता है ये देखो। हाँ भाई साहब, 5वां सवाल कहता है कि सामान खरीदने समय दुकानदार 10% चोरी करता है, बेचते समय 10% चोरी करता है, उसे लाभ कितना होगा। तो बात समझ में आया, कहता है क्या कि एक दुकानदार क्या करता है, 10% चोरी करता है और फिर 10% चोरी करता है, एक ही सामान खरीदते समय भी धोखा दे देता है और उसको बेचते समय भी धोखा दे देता है, एक ही को सामान पर। जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, ए बी फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। और अगर आप शुरू से हमारा क्लास कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सब कुछ नहीं है। सुनिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बट्टा 100। आ सुनो, इससे ही कट गया, एक बार में 10 10 20 21% का लाभ कमाया वो।
ठीक ना। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला अगला अगला, देखिए 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 क्या कहता है छठा। छठा मैं आपको बता दूं, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि लोग देखिए हार्ड हार्ड चीज पढ़ा रहे थे रेलवे वाला एग्जाम में, खूब एसएससी वाला क्वेश्चन पढ़ाएगा रेलवे वाला बच्चा के, और एसएससी वाला के कैट मैट वाला पढ़ाएगा वो, इसलिए कि लोग अपनी योग्यता केवल दिखाते हैं। वो ये सोच बताना चाहते कि भाई रे बिना हमारा से पेड क्लास ले ले तोरा से न हो वाला, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन दिखाएगा। और आप लोग को भी वो चीज समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते जैसे लोग पढ़ाते हैं। प्रथम 50 संख्याओं का औसत, तो एक दो तीन, यही बात ना, तीन ये दो है, तीन चार पांच, ऐसे प्रथम 50, प्रथम 50 संख्याओं का औसत, औसत निकालना है। ये समांतर श्रेणी में हो गया, प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा टू कर लीजिए, एक प्लस 50 अब बट्टा दू, यानी हुआ 51 अब बट्टा दू, यानी 25.5 हो गया, 25.5 औसत हो गया, ठीक ना। देखो सात नंबर कहता है 1/2, 1/3, 1/4 निवेश है, 1/2, 1/3, 1/4 में, यानी ये दिया गया है कि इस अनुपात में निवेश किया। पहला आदमी मान लो 1/2 लगाया, दूसरा आदमी 1/3, और तीसरा आदमी 1/4 धन लगाया, लाभ कमाया 15,600, तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना है, सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जिस रेशियो में, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल, जिस रेशियो में आप पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में आपको लाभ भी मिलेगा, जिसका ज्यादा पूंजी उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। तो एक बात बताओ, 1/2, 1/3, 1/4 है ना, 1/2, 1/3, 1/4, इसका सही में अनुपात में अगर हम ज्ञात करें तो कैसा हो जाएगा जानते हैं, इसको आप एलसीएम मेथड से कर सकते हो ना, तो ढकढकिया मेथड बताए थे, आपको याद होगा। ढकढकिया निकालने का मतलब ये पहला है मान लो, ये दूसरा है, और ये तीसरा आदमी का हिस्सा था, आधा एक तिहाई एक चौथाई, ये निश्चित है कि सबसे ज्यादा पूंजी इसने लगाया है, आधा अकेले लगाया है, तो बड़ा हिस्सा इसी का होगा। लेकिन अगर पूर्णांक में इसको लाना चाहते हैं तो ढकढकिया मेथड, कि जिसका मान निकालना है उसको ढको, अब बाकी नीचे वाला गुना कर दो, 3 × 4 = 12। अब बी का निकालना यानी दूसरे आदमी का, तो दूसरा वाला ढकेंगे 2 × 8। अब निकालना है तीसरा का, तीसरा ढकेंगे 2 × 3 = 6। अब काट लो अगर कटता है तो 12 × 6 = 6, 8 × 4 = 4, 6 × 3 = 3, 6 × 4 = 3 में हो गया। बड़ा हिस्सा किसका, पहला आदमी का, देखो आधा एक तिहाई एक चौथाई, सबसे ज्यादा ही ना लगाया है, आधा अकेले, ठीक है ना। अब सुनिए, तब बड़ा हिस्सा जो पूछा है, सबसे बड़ा हिस्सा, तब बड़ा हिस्सा हो जाएगा क्या जानते हैं, ये 15,600 है ना, इसका 6 कुल कितना का, 6 × 4 = 10 = 13 का, ठीक है। 13 से इसको काटेंगे तो शायद 12 बार में कट जाएगा, 1200 बार में नहीं, 13 × 2 = 26, और 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 15, ठीक है। अब देखो 12×6 = 7200, बड़ा हिस्सा 7200, ठीक। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा। देखिए एक सवाल है आपके सामने, ये x यहां पावर में नहीं, x यहां रहेगा, ठीक है, ये रहेगा x²-2x+1 = 0 है, तो पूछा गया है कि x³-1/, गलती दिल है, x³-1/x³ रहेगा इसका मान। अलजेब्रा का सवाल, देखिए इसमें एक काम करिए, अगर x से भाग दे देते हैं, x से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले एक नजर इसे देख लेते हैं क्या यह सही है, ध्यान देना, ये अगर x से भाग देते हैं पूरे में, तो इधर x माइनस ये 2 और प्लस ये 1/x हो जाएगा, तो बराबर 0, क्योंकि x से भाग किसी भी संख्या में, सॉरी 0 में x से भाग देंगे तो 0 रहेगा। अब ये x प्लस 1/x बराबर ये हो जाएगा +2, ठीक है ना। अब x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x³-1/x³ का मान, यहाँ x रहा होगा, ठीक है, ई पावर 3 ऊपर रहा होगा, 23 नहीं रहा होगा, नीचे x और ऊपर 3, ये सवाल होगा।
अब एक बात, अगर आपको x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर दो दिया है और इसका मान पूछा है तो ई भी माइनस में रहेगा, तब उसके माइनस में निकालिएगा। हालांकि मुझे इस सवाल में डाउट है थोड़ा सा लिखने में, लेकिन अगर मान लो ऐसा भी सवाल है तो बनेगा। कैसे बनेगा, इस सवाल को नीचे अभी छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको पहले एक्स माइनस वन बट्टा एक्स का मान पता करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब प्लस में दिया है ना तो रूट लगाना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर किए, अब माइनस में लाना है तो माइनस फोर करिए, यानी एक्स माइनस वन बट्टा एक्स बराबर हमारा दो का स्क्वायर, चार चार में से चार गया जीरो, जीरो का वर्गमूल जीरो, यानी एक्स माइनस वन बट्टा एक्स बराबर हो गया कितना, जीरो। तो अब तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, इतना का भी मान जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि सवाल में कुछ अलग रहा होगा, ये माइनस प्लस के गड़बड़ी से ऐसा हुआ, ठीक, और नहीं तो ऐसे भी होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वन बटा एक्स का मान जीरो है, तो भाई इसका क्यू भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। अगला देख लो जरा, नौ नंबर, क्योंकि देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी त्रुटियां आपको मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि बच्चे याद करके आते हैं और हो सकता है कि उतना माइनस प्लस उनको याद ना रहे कि पहले माइनस होगा कि बाद में माइनस होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो, तब यहां पर लिखा हुआ है कि p के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 6 माइनस आर के पावर 6, और नीचे में दिया है बट्टा का चिन्ह, बट्टा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसके लिए दिमाग लगाओ जरा, देखो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको बराबर आर स्क्वायर लिख सकते हो, ये माइनस में उधर गया प्लस में। अब दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है। ये पांच ले ले, तीन ले ले, चार ले ले, तो हो जाएगा पांच के स्क्वायर 25, तीन के स्क्वायर 9, चार के स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया ना। तो समकोण त्रिभुज के नियम से ये तो हो जाता है, ट्रिपलेट है ये, दूसरी चीजें माने तीन चार पांच ले लेते, लेकिन यहां बड़ा बड़ा है पावर 6 6 है, अब पांच के पावर 6 कर रहे से दिमाग खराब हो जाएगा। तो एक काम करिए ना, पी के मान एक, आ क्यू के भी मान एक, आ आर के मान ले लेते हैं रूट दो, तो बात खत्म। देखो एक के स्क्वायर एक, एक के स्क्वायर एक, तो एक का एक दो, आ यहां रूट दो के स्क्वायर कितना, दो ही होगा, चार नहीं दो होगा, तो हो गया संतुष्ट हो गया। यानी एक एक लेना है पहले, तो एक के आएगा, एक के आएगा माइनस, आर के पावर 6 का मतलब सुनो, आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आर स्क्वायर इसका पावर 3 है, आर स्क्वायर, आर का मान लिया आपने रूट दो, तो रूट दो का स्क्वायर करके इसका पावर 3 करना है, स्क्वायर से रूट कटेगा, दो का क्यू कितना हुआ 8, यानी यहां 8। सुनिए नीचे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तब पी स्क्वायर तो एक के होगा, क्यू स्क्वायर तो एक के होगा, और गुना में आर स्क्वायर, मतलब रूट दो का स्क्वायर करना है तो दो होगा, अरे ऊपर एक एक दो, आठ गया तो माइनस में 6 ऊपर बचा, नीचे हुआ दो, दो से काटोगे तीन बार में, माइनस में 3 आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा एग्जाम में, जिस तरह से सवाल आ रहे हैं उस पर प्रयास मतलब जोरदार करना है, जोरदार प्रैक्टिस करना है कि सवाल एग्जाम में जो भी आए उसको खड़ाक से उड़ा दे, ठीक है। आपको समझाना इसलिए मुझे इतना टाइम लगता है, वरना हमें बनाना होता तो पेन लगाने की कहीं लगता है जरूरत न पड़े ऐसे सवालों में। आ जाओ जरा देखो, आपको ट्रिगो पढ़ाए थे हम, आपको बताए थे कि कॉस अ साइन, टेन अ कॉट, ये सब आपस में बराबर तभी होते हैं जब उनके थीटा का योग 90 डिग्री होता है। दोस्तों यानी कि अगर कॉस साइन बराबर है तो इसका थीटा और इसका थीटा का योग 90 होगा, तो इसके थीटा की जगह 2 थीटा है, ठीक है, और इसके थीटा की जगह एगो थीटा है, तो दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, तभी आपस में बराबर हो सकता है। यानी ये 3 थीटा बराबर हुआ 90 डिग्री, 3 से काटा 30 बार में, थीटा का मान हुआ 30 डिग्री, आपका आंसर। अगला बढ़े, कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 20% कम कार्य करता है, बी अकेला भी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये सवाल हम पीछे पढ़ा चुके हैं पहला दिन वाला में, ठीक ना, ये बहुत आसान है, आप कर लोगे। देखो अगला, 4 साल में कोई धनराशि 6200 हो जाती है तो 7 साल में वह धनराशि 7100 हो जाती है, तो पूछता है कि मूलधन क्या होगा, ठीक है ना, यहां पर तो होना नहीं चाहिए। चलिए 4 साल में कोई धनराशि 6200, आपको पता है 4 साल में कितना हो गया है भैया 6200 हो गया है, और 7 साल में कितना हो गया है
71 100 हो गया है, तो बताओ कितने, 3 साल का अंतर आ गया, यानी 3 बरस का ब्याज कितना हुआ पता है, 3 बरस का ब्याज 7100 में इसको घटा दीजिए तो 62 और 9 71 नहीं, यानी 903 साल का ब्याज हुआ। तो 1 ईयर का ब्याज क्या होगा, 1 ईयर का ब्याज, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है इसीलिए समझना ये साधारण ब्याज है, जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो बोलेगा और नहीं बोला है तो साधारण ब्याज समझना है। तो 1 बरस का 300 होगा, 3 साल का 900 तो 1 साल का 300। आपसे पूछता है कि मूलधन बताओ, एक बात बताओ, 6200 हो गया कितना दिन में, 4 साल में। अरे तो मूलधन के साथ साथ 4 साल के ब्याजो ना होगा इसमें, 1 साल का ब्याज 300 तो 4 साल का कितना, 4 से गुना कर दीजिए घटा लीजिए तो मूलधन निकल जाएगा, क्योंकि 6200 मिश्र धन है, 1 साल के ब्याज में 4 से गुना, 4 साल का ब्याज घटा देते हैं, यानी 6200 जो 4 साल का मिश्र धन है उसमें से 4 से 1200 घटा देंगे, हमारा 5000 बच जाएगा, वो हो जाएगा मूलधन। ठीक, आप यहां से भी कर सकते थे, 7100 7 साल में होता है, 1 साल में 300, 7 साल में 2100 घटा दीजिए 7100 में से 2100 हो जाएगा 5000। चलिए अगला देखिए, अगला ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक ना। आइए 18 कहता है कि 38000 में से कुछ धनराशि को 7% के दर से 5 वर्ष के लिए तथा शेष राशि को 10% के दर से 6 वर्ष के लिए लगाई जाती है तथा दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, 7% पर कितना धन लगाया गया था। ये साधारण ब्याज है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, तो समझिए साधारण ब्याज का सवाल है। सवाल है तो कहता है कि कुछ 7% पर कितना धन लगाया गया था, मान लेते हैं कि 7% पर हम 100 रुपया लगाए थे, ठीक, तो 100 रुपया का 7% के दर से, पहले देखिए 7% के दर से 5 साल में तो 7 × 5 = 35% ब्याज आएगा, x का 35% ब्याज, तो 100 रुपया लगाइए दिए तो बचा कितना, 38000 - 100 रुपया बचा, इस पर कितना ब्याज आएगा, तो इस पर आएगा 10% के दर से 6 साल में 10 × 6 = 60%, 60% ब्याज, और दोनों ब्याज कहा है आपस में बराबर, तो 7% पर कितना लगाए होंगे ये पता करना है। लीजिए एक काम करिए, प्रतिशत से प्रतिशत काट लीजिए, ये हो गया आपका 35x, इधर हो गया 60 से, दोनों में गुना, यानी कि 38000 गुना 60 माइनस हो गया 60x, 60 इधर आके जुड़ा 60 × 30 = 90 + 5 = 95, तो ये 95x हो गया। अब बराबर हुआ भैया साहेब 38000 × 60, अब सुनो 19 से काटे तो 5 बार में, 19 से काटे 19 × 2 = 38 2000 बार में, 5 से काट दिया इसको 12 बार में, यानी x का मान 12 × 2 = 24000, यानी 24000 रुपया लगाए थे 7% पर। अगर आपसे पूछता कि बता दो ना जरा, बता दो जरा कि ये 10% पर कितना लगा है, तो 24000 घटा लीजिए 38000 में से, 14000 आपका आंसर हो जाता, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, या कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि क्रम से कितना कितना धन लगाया गया था, 7% और 10% पर अलग अलग कितना धन लगाया गया था, अलग अलग 24000 है, वो 14000 हो जाएगा क्योंकि 38 टोटल है, टोटल में से 24000 घटा देते अगला निकल जाता। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, यानी इसका लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो विकर्ण पूछा है, ये बात किसको नहीं पता, घनाभ जैसी पढ़ोगे तो पहले बात है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर, तो ये क्या होता है, लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर। भैया सुनिए सुनिए, 10 के स्क्वायर 108 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 36 64 100 100 200, ये हो गया आपका 200, यानी 100 × 2 यानी 100 का वर्गमूल 10, 2 रह गया अंदर, इतना हो जाएगा, और ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा, ठीक ना, सॉरी विकर्ण है ना, तो सीधा सेंटीमीटर में, एरिया रहता है तब ना वर्ग सेंटीमीटर लगाइएगा। लीजिए अगला सवाल आइए, 20
में पूछा गया आपसे 5, 8, 13, 20, ठीक है ना, 5, 8, 13, 20, तो ये सीरीज है 5, 3, 8, 3 जुड़ा 8, 5, 13, 5 जुड़ा, सब विषम संख्या जुड़ रहा है, 13, 7, 20, विषम संख्या जुड़ेगा 9 जोड़िए, इसमें 9 जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 29। ये सवाल कितना इजी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है ना। और बने रहिएगा, आप लोग के लिए हमने दूरीना पर भी कोर्स करा रखा है, आगे आपका ग्रुप डी के लिए भी बहुत जबरदस्त होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है कि जल्दी से जल्दी आप लोग सेलेक्शन लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।